नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवरना जीएस पर। दोस्तों आज हम बात आपसे करने वाले हैं और आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि क्या वीर्य बचाने से आपके बॉडी को ताकत मिलती है, क्या वीर्य डोनेट करने से आपकी बॉडी को हानि होती है, वीर्य आखिर किससे मिलकर बना होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि 100 बूंद खून जो है जब आपस में मिलता है तो जाकर एक बूंद वीर्य का निर्माण होता है। ऐसी मनोभावनाएं, ऐसी मनोवृत्तियां बच्चों के, युवाओं के मन में ऐसा भर दिया गया है जिससे युवा को लगता है कि अरे यार, एक बूंद यदि वीर्य बॉडी से बाहर निकल गया तो समझो बहुत, 100 बूंद खून आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, इससे आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म होता है या बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह की भावना आ जाती है कि अरे यार, बच्चे जो होते हैं वो स्पर्म से ही होते हैं। तो आज मैं इन सारी मुद्दाओं पर बस अगले 3-4 मिनट में आपको समझा दूंगा कि स्पर्म का क्या योगदान है, ये वीर्य का निर्माण किस किस से चीज से होती है, स्पर्म जो है वो कितने परसेंट है जिसको कि हम लोग 100% समझ पा रहे हैं, क्या सिर्फ स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बच्चे का निर्माण करता है। तो इन सारे विषय बंधु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम आते हैं, आपको बताते हैं कि स्पर्म जो है वो बनता कहां पर है। तो आप यहां पर देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो वाला पार्ट्स आपका है, इस पार्ट्स को जानते क्या कहा जाता है, इस पार्ट्स को टेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो ये पार्ट्स जो आपका है मेरे दोस्ता, इस पार्ट्स को टेस्टिस कहा जाता है, जिसको हिंदी में आप वृषण कहते हैं, अर्थात स्पर्म का निर्माण जो है वो इसी पार्ट्स में होता है। और ये जो आपका स्पर्म है ये मात्र 10% होता है आपके सीमेन में, अर्थात आपके वीर्य जिससे बच्चा पैदा होता है उसमें इस स्पर्म का योगदान जो है वो मात्र 10% है। लेकिन लोग कहते हैं कि स्पर्म और ओवम मिलकर जो है वो बच्चे हो जाते हैं, अर्थात स्पर्म से बच्चा होता है, लोग ऐसी भावनाएं समझते हैं, जबकि स्पर्म मात्र 10% है। बच्चे जो होते हैं वो आपका वीर्य से होता है। किससे होता भाई? तो वो जो होता है वो आपका वीर्य से होता है, जिसको इंग्लिश में सीमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सीमेन कहा जाता है। तो आप जो ये स्ट्रक्चर ये सब देख रहे हैं, ये आपका जो है सीमेन का स्ट्रक्चर है। और भी यहां पर जो आप देख रहे हैं ये टोटल मिलकर जो है, समझिए कि सीमेन अर्थात वीर्य बनाता है। तो यहां से आपका स्पर्म निकलता है। अब ये ट्यूब जो आपका दिख रहा है, इस ट्यूब को कहा जाता है स्पर्म डक्ट, अर्थात हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका के माध्यम से ये फिर ऊपर की ओर चढ़ता है और वो जाता कहां है? तो वो जाता है सेमिनल वेसिल्स में। कहा जाता है सेमिनल वेसिल्स में, अर्थात सेमिनल वेसिल्स से जो आपके बॉडी से फ्लूड्स निकलती है इसकी मात्रा जो है वो आपका 60% रहता है। कितना परसेंट भाई? 60% रहता है। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट ग्लैंड यहां पर है और इस प्रोटेस्ट ग्लैंड से जो फ्लूड निकलती है इसकी मात्रा जो है वो आपका 30% रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका सेमिनल वेसेंस से 60%, प्रोटेस्ट ग्लैंड से 30% और आपका टेस्टिस से 10% स्पर्म। ये तीनों जब आपस में जुड़ता है तब जाकर ये 100% होता है, अर्थात तब जाकर ये वीर्य का अर्थात सीमेन का निर्माण करता है। अब ये वीर्य जब फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो वहां उसको ओभम के साथ जुड़ता है और फिर जाकर वो जायगोट का निर्माण करता है। बची बात ये कि सर लोग कहते हैं कि 100 बूंद ब्लड आपस में जुड़ेगा तब जाकर एक बूंद वीर्य का निर्माण होगा, तो साइंस क्या कहता है वो आपके सामने है और ये क्लियर हो गया, ये कहीं से भी सत्य नहीं है। 100 बूंद खून के जुड़ने से एक बूंद स्पर्म का निर्माण नहीं। यदि ऐसा होता तो जरा सोचो कि जब आप स्पर्म डोनेट करते हैं, स्पर्म निकालते हैं, आप अपनी बॉडी से बाहर, वीर्य आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसमें 10 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद भी आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में पता चलेगा कि शरीर का जो है एक दिन सेक्स करने से क्या होगा कि आपका 200-250 मिलीलीटर ब्लड जो है वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यदि ऐसा होगा तो पता चलेगा 5 दिन यदि सेक्स किया तो आदमी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये भावनाएं जो युवाओं में है कि 100 बूंद खून से जुड़कर जो है एक बूंद वीर्य का निर्माण करता है वो कहीं से भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से वो जो है सही नहीं है। दूसरी बात ये कि सिर्फ स्पर्म जो है वो बच्चे होने के लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि स्पर्म आपका आपके वीर्य में मात्र 10% रहते हैं, अर्थात वह स्पर्म, उसके बाद प्रोटेस्ट ग्लैंड से निकलने वाले लिक्विड्स, वेसल्स ग्लैंड से निकलने वाले लिक्विड, ये तीनों आपस में जब जुड़ जाता है तब जाकर आपके वीर्य का
निर्माण करता है और बच्चे होने के लिए ये आपका कौन जिम्मेवार होता है? वीर जिम्मेवार होता है। दूसरी बात कि लोगों के मन में रहता है कि सर यदि वो वीर का डोनेशन हो जाता है तो क्या शरीर में कमजोरी हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कमजोरी होता महसूस कैसे होता है, इस बिंदु पर हम लोग आपको चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी काम के प्रति जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जब आप 100% उसमें अपनी एफर्ट को लगा देते हैं, वो काम कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी को क्या होती है कि थोड़ी सी थकावट महसूस हो जाती है। वो एक फिजिकल फिनोमेनन आपकी बॉडी का है, थकावट महसूस होता, फिर आप सोते हैं या फिर आप भोजन करते हैं, फिर आपकी बॉडी में एनर्जी आती है और फिर से आप काम कर लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि लोग कहते हैं कि स्पर्म नहीं निकालना चाहिए, आप बताइए कि आपके इस पार्ट्स में कहीं पर भी स्पर्म को रोकने का अर्थात बेरी को रोकने का कहीं पर भी कोई जगह बना हुआ नहीं है जहां पर आप उसको स्टोर कर सकते हैं, तो वो स्वाभाविक है। यदि आप नहीं भी निकालेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्योंकि इसलिए चला जाएगा क्योंकि जिस मार्ग से आपका मूत्र बाहर निकलता है उसी मार्ग से वीर्य भी बाहर निकलता है। क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि वीर्य किस मार्ग से बॉडी से बाहर निकलता है, तो ध्यान रखेंगे आपका जो मूत्र मार्ग है इसी मार्ग से मूत्र भी बाहर निकलता है और उसी मार्ग से वीर्य भी बाहर निकलता है। फिर तीसरा सवाल एग्जाम का हो गया कि स्पर्म का निर्माण किस अंग में होता है, तो आपका टेस्टिस में होता है। उसका वाहन कौन करता है, तो आपका स्पर्म डक्ट करता है। नहीं, और वीर्य में कौन कौन भाग लेता है, कितना परसेंट होता है, तो वो सब यहां से आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये जानकारी आपके जीवन के लिए भी और आपके एग्जाम के दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्त ग्रुप में ताकि आपके दोस्त को भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।